नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्वादिष्ट व्यंजन रसोई में। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे गेहूं के आटे से बने बिस्किट की रेसिपी। आप ये बिस्किट मैदे से भी बना सकते हैं। हमने ये गेहूं के आटे से बनाए हैं। आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें। ये खाने में टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी। आज हम गेहूं के आटे से बिस्किट बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट, घी, इन सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए मुट्ठी अच्छे से बन रही है, इसलिए मोइन मेरा ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। इसका हमें सख्त डो तैयार करना है। इसका इस तरह से हमें डो तैयार करना है। थोड़ी देर इसको हम ढक के रख देंगे जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। आटा सेट हो गया है। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। इसकी दो बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। इस लोई पे थोड़ा सा हम ऊपर से घी लगा देंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। इस तरह से इसको मोटा रखेंगे। साइड से थोड़ा सा हम इस तरीके से दबा देंगे। अब हम इससे इसको कट कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। इसकी हम बाद में लोई बना लेंगे। सारे बिस्किट हम ऐसे ही बना लेंगे। सारे बिस्किट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन बिस्किट को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इनको तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। अगर तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे बिस्किट हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने खस्ता कितने बढ़िया मेरे बिस्किट बने हैं। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।